नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ADAG ग्रुप का एक बहुत ही तगड़ा शेयर है और बहुत ही बताऊँ सबसे भरोसेमंद शेयर है अपने अनिल अंबानी जी का। उन्होंने अनिल अंबानी जी ने इस शेयर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रखा है और इस भरोसे के मुताबिक ये शेयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आई थी लेकिन ये जो तेज़ी आई थी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकी, फिर जो है इसमें करेक्शन देखने वाला, करेक्शन के बाद ये नीचे आया और जैसे जैसे हमने जो आपको सपोर्ट दिए थे और जो टारगेट दिए थे वो हमारे सारे टारगेट भी अचीव हुआ और जहाँ से हमने बोला था कि सपोर्ट लेगा वहीं से इसने सपोर्ट लिया और दोबारा से ऊपर बढ़ना चालू हो गया है। अब ये कहाँ तक ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक ये तेज़ी रहने वाली है, मैं आपको सब बताऊँगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट टाइम टाइम से मिलते रहें और सबसे पहले आपको अपडेट मिलते रहें। तो हम चल के देखते हैं कि इसका कैसा क्या आज ट्रेड चल रहा है। तो आज के दिन इसमें शुरू जब मार्केट ओपन हुआ था तो ये इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था लेकिन ये अपर सर्किट जल्द ही टूट गया और अब ये थोड़ा थोड़ा अपनी गिरावट भी इसमें थोड़ी देखने को मिल रही है लेकिन अब ये जल्दी ही रिकवरी देगा, ये भी पक्की बात है। अभी जो है इसमें लगभग 1.90 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है, 2.07% की इसमें तेज़ी मिली है आज के दिन। अगर मैं बताऊँ 1 वीक की तो 1 वीक में से किसका कैसा क्या हाल है, 1 वीक में इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने इसने परफॉर्म किया है। पहले इसमें लोअर सर्किट लग रहा था लेकिन 2 दिन इसने लगातार इसने अपर सर्किट लगाए और फिर से ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो गिरावट आई थी, गिरावट क्यों आई थी कि वो गिरावट नहीं आप इसको करेक्शन बोल सकते हैं या इसकी थोड़ा सा इसमें क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अभी आपने कोई नहीं पड़ी होगी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है। तो अब आप सोचते हैं कि कोई भी शेयर इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ 1 मंथ का कि इसका 1 मंथ का क्या हाल रहा है। तो 1 मंथ पे गौर करें तो इसने लगभग 47.59% के आसपास रिटर्न दिया है। तो ये सीधी चढ़ाई कर रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें गिरावट आना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव माइंड में चीज़ें ले आएँ कि ये शेयर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं आपको बताऊँ कि अनिल अंबानी जी का सबसे सेकेंड फेवरेट, मैं आपको बताऊँ सबसे फेवरेट शेयर में से एक है। मैं चारों शेयरों में बताऊँगी, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कम्युनिकेशन, लाइन कैपिटल में, तो अपने फेवरेट शेयर में से एक है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी कंपनी को डेप्थ से करने के लिए ये रिलायंस पावर में इतना ज़्यादा पैसा झोंक रहे हैं, इतना पैसा फंड रेज कर रहे हैं और सारी तरीके से इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इनकी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है डेप्थ फ्री हो जाए। और आपको पता होगा कि अपने ये काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट भी बेच रहे हैं अपने, इन्होंने अभी आपको पता होगा कि जो इन्होंने क्यूब हाईवेज को अपना जो एक असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट बेचा है अपने कंपनी को डेप्थ फ्री करने के लिए, तो ये जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी डेप्थ फ्री हो जाए ताकि इनको और अच्छे अच्छे जो असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आगे भी मिलते रहें और ये कंपनी डेप्थ फ्री होकर काम करे और अच्छे तरीके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। तो अनिल अंबानी जी को इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा उन्होंने दिखाया है और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इस कंपनी पर भरोसा करना चाहिए। जब उनके जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं तो आपको भी इस पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें आपको पता होगा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई। अच्छी खबर यही है कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1000% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ADAG ग्रुप का। तो काफ़ी तगड़ी तेज़ी है और अच्छी चीज़ में न्यूज़ आई है, ये भी खराब न्यूज़ देखने को हमें अभी तक नहीं मिली है। तो अब जब नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो हम इसके बारे में क्यों नेगेटिव सोचें, सीधी सीधी बात है। अगर पॉजिटिव चल रहा था पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ये जो गिरावट थोड़ी सी आई है तो वो क्या करेक्शन मात्र है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन लिया, अब ये दोबारा से ऊपर चढ़ाई चालू कर रहा है और अपने जो टारगेट इसके हैं अचीव होता हुआ ये करने वाला है, ये भी पक्की बात है। आपको भी इसमें आपको जो है इस पर वेट करना है आप, ये क्योंकि शेयर है अब रुकने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, ये भी पक्की बात है। तो हम चल के देखते हैं कि चार्ट पर इसका कैसा क्या हालचाल चल रहा है आज के दिन। तो अब मैं आपको बताऊँ कि अभी जो है इसमें ये जो इसका लेवल था लगभग मैं आपको बताऊँ क्लियर आपको 60 रुपये के आसपास का जो लेवल था, यहाँ से जब ये बढ़ना चालू हुआ था तो सीधे इसने चढ़ाई पर चालू की थी, कहीं ये रुका नहीं था, बिल्कुल सीधे ये बढ़ता चला गया था, कहीं भी इसने रुकने का नाम नहीं लिया था। तो अब आपको पता ही होगा कि जो शेयर मार्केट होता है कभी भी ऐसा नहीं बढ़ता कि सीधा बढ़ना चालू हो जाए, कभी बढ़े और बढ़ता जाए ऊपर ही ऊपर जाए, कभी भी रुक के ना। चाहे मैं कोई भी शेयर आप ले लें, रिलायंस ले लें और चाहे आप मैं बोलूँ अडानी जी के शेयर ले लें, कोई भी शेयर उनका ऐसा नहीं बढ़ा तो अब उनमें गिरावट भी देखने को मिली, ये भी हुआ इसमें। तो इस शेयर में भी ऐसा हुआ कि ये शेयर बढ़ा, अब इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, अब ये दोबारा से बढ़ना चालू होगा क्योंकि शेयर मार्केट का रूल ये है कि कोई भी शेयर होता है हमेशा ऊपर नहीं बढ़ता, जब भी बढ़ता है तो ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है, गिरावट लेता है, ऊपर लेता है, हल्का सा कंसोलिडेशन लेता है, फिर बढ़ता है, हमेशा कभी भी सीधा नहीं बढ़ता है। तो ऐसा इसमें भी देखने मिला है कि ये अब बढ़ा है, थोड़ा सा गिरेगा, फिर दोबारा बढ़ना चालू हो सकता है, कंसोलिडेशन भी चालू हो इसमें क्योंकि पहला भी ये कम हो चुका है इसमें, ये बढ़ा, ये देखिए आप बढ़ोतरी हुई थी, फिर गिरावट हुई थी, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर हल्का सा बढ़ोतरी गिरावट हुई, फिर बढ़ोतरी हुई और कंसोलिडेशन भी हुआ। तो इस शेयर में भी यही काम होने वाला है,
अभी भी इसमें दोबारा से ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा कि बढ़ेगा, अभी थोड़ा सा गिरावट लिए, अब दोबारा से ये बढ़ना चालू होगा और ये अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, ये पक्की बात है। मैं आपको अगर याद होगा कि हमने आपको जो टारगेट दिया था 105 रुपये का, ये टारगेट हमारा अचीव हुआ था, बहुत ही जल्दी अचीव हो गया था। और हमने आपको जो सपोर्ट दिया था 80, आपको याद होगा 88 रुपीज़ का, वो हमारा टूट गया था। फिर मैंने आपको जो सेकंड सपोर्ट दिया था 80 रुपीज़ का, ये सबसे तगड़ा सपोर्ट का काम किया, यहीं से इसे सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ाई चालू की है। और 70 रुपीज़ का सपोर्ट ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो ये भी बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम किया, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो सबसे अच्छा सपोर्ट हमने आपको दिया था 80 रुपीज़ का, ये बहुत अच्छा साबित हुआ। तो आप हमारे, ये हमारी टीम की मेहनत है, हम लोग का एनालाइज है जो हमने आपको बताया था, जिन लोगों ने हमारी जो वीडियो देखी होगी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे होंगे। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन आप भी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेश पोजीशन अभी बना सकते हैं, क्योंकि इसके टारगेट जो है ऊपर काफ़ी होने वाले हैं, अब ये रुकने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी डेट फ्री होने वाली है, आपको पता होगा कि जो प्रण लिया है हमारे अलमानी जी ने 2022 तक इनकी ग्रुप को डेट फ्री करने का, तो उसी के सहारे ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या टारगेट हैं, क्या लेवल्स हैं। तो आप पे अगर शॉर्ट टर्म में आप खेल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 105 रुपये 70 पैसे के आसपास का, जो उसने हाई बनाया था। तो ये टारगेट आप नोट कर लीजिए, ये आपका टारगेट रहने वाला है टारगेट 1, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका 105 का टारगेट हो गया पहला शॉर्ट टर्म के लिए। और आप अगर इसमें थोड़ा ठीक ठाक दिन तक रुकना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं इसमें पैसे लगा के, तो आपका टारगेट होगा जो काफ़ी अच्छा टारगेट होने वाला है, जो भी जल्द ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा, वो होगा 125 रुपये 70 पैसे का। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपने बोल दिया, लेकिन ये टारगेट बहुत ही मुझे जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देने वाला है, ये आप भी नोट कर लीजिए, ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होगा, ये भी पक्की बात है। ये क्योंकि ग्रुप जो है, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली ही आने वाले समय में, जैसे जैसे डेट फ्री होगी, अपने इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे नए नए, ये बहुत आगे ग्रो करने वाली है, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। तो आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टारगेट मैंने आपको दे दिए, 125 रुपये 70 पैसे और 105 रुपये 70 पैसे, ये आपके दोनों टारगेट हो चुके हैं। और अगर ये शेयर नीचे आता है, सपोर्ट कहाँ से लेने वाला है, जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था 80 रुपीज़ का सपोर्ट और 70 रुपीज़ का सपोर्ट, तो सबसे तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है, तो 80 रुपीज़ का, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर ये अगर आप फिर से दोबारा से नीचे आता है, तो दोबारा जो नीचे आएगा तो 80 रुपीज़ से ही सपोर्ट लेगा, ये भी पक्की बात है, 80 रुपीज़ से ही सपोर्ट लेगा। अगर ये नीचे और आता है तो आप इसमें फ्रेश पोजिशन कर सकते हैं, और अगर ये नीचे आए तो आप इसे टेम्परेरी रूप से निकल जाइएगा, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ टेम्परेरी रूप से निकल जाइएगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। और अगर ये 105 रुपये तक पहुँचता है तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा जरूर, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है 105 रुपये के रेट पर पहुँचने के बाद, क्योंकि इसने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया है इस शेयर के लिए। तो आप इसमें 105 रुपये पहुँचने पर अपने शेयर अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है आगे का, सब आपको मैंने हाल बता दिया है। तो दोस्तों यही था हमारा टारगेट, मैंने आपको सब टारगेट दे दिए हैं, यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एनालाइज आपको अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।